Hello and welcome you all in the series of lectures on applied thermodynamics. In this lecture, we will discuss about the compounding of impulse turbine. Compounding क्या होती है? Compounding कितने types की होती है? Majorly हम velocity compounding की बात करेंगे, pressure compounding की बात करेंगे and जब इन दोनों को आप combine करेंगे तो प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग की हम बात करेंगे एट द एंड। तो कंपाउंडिंग को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि सिंगल स्टेज इम्पल्स टर्बाइन की क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो जैसे आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमने सिंगल स्टेज इम्पल्स टर्बाइन में एक सीरीज ऑफ नोजल्स या रो ऑफ नोजल्स लिया था और दूसरा हमने सीरीज ऑफ मूविंग ब्लेड्स या रो ऑफ मूविंग ब्लेड्स लिया था। तो नोजल एंड मूविंग ब्लेड को जब आप कंबाइन करते हैं तो एक स्टेज बनती है, वो सिंगल स्टेज हो जाएगी। तो नोजल में जो स्टीम आ रही है वो बॉयलर से आ रही है, यानी कि बॉयलर प्रेशर पर वो स्टीम होगी और सारी की सारी जो स्टीम है वो नोजल में क्या होगी, एक्सपेंड होगी। और नोजल में एक्सपेंड होने से क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा और प्रेशर ड्रॉप से एसोसिएटेड होगी क्या, उस स्टीम की वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी उस स्टीम की। और वो जब हाई वेलोसिटी की स्टीम उस मूविंग ब्लेड से स्ट्राइक करती है तो उस टरबाइन की या उस ब्लेड की स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि प्रैक्टिकली उसको हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ये देखा गया कि सिंगल स्टेज इम्पल्स टरबाइन जब रन करती है तो वो 30,000 RPM तक पहुंच जाती है, ठीक है। और 30,000 RPM बहुत ज़्यादा होता है। हाई स्पीड ऑफ टर्बाइन हैज़ मेनी ड्रॉबैक्स। तो हाई स्पीड टर्बाइन्स की बहुत सारी ड्रॉबैक्स हैं। कुछ ड्रॉबैक्स हैं यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं। हाई स्पीड रिजल्ट्स इन हाई सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेसेस, जैसे MR ओमेगा स्क्वायर, जिसको आप बोल सकते हैं MR ओमेगा स्क्वायर की वजह से, यानी कि हाई सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेसेस की वजह से जो ब्लेड की टिप है वहाँ पर इस स्ट्रेसेस की वजह से वाइब्रेशन पॉसिबल हो सकता है या डिफ्लेक्शन भी पॉसिबल हो सकता है, जो कि बिल्कुल भी डिज़ायरेबल नहीं है। क्लियर। हाई स्पीड रिक्वायर्स प्रैक्टिकली ए वेरी लार्ज डायमीटर ऑफ रोटर। अगर आप इतने RPM पर रन करना चाहते हैं टरबाइन को, मान लेते हैं, तो जो टरबाइन का डायमीटर होगा, जो टरबाइन रोटर का डायमीटर होगा, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। U=2πDm/60 से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा बड़ा डायमीटर हो गया उस रोटर का, तो उसका मतलब क्या है कि पहली बात तो उसका मास इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा उस रोटर का, यानी इनर्सिया होगा बहुत ज़्यादा। और ज़्यादा बड़ा साइज़ का अगर रोटर है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने के साथ साथ बियरिंग्स प्रॉब्लम भी होंगी, क्योंकि आपको जो टर्बाइन का रोटर है उसको माउंट करना होगा, उसको रखना होगा बियरिंग्स में, और बियरिंग उस लोड को बियर करेंगी, ठीक है। तो इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ जाएंगी, हाई स्पीड की वजह से रोटर का डायमीटर बढ़ जाएगा या हमें बढ़ा हुआ डायमीटर सेलेक्ट ही करना पड़ेगा। सो एक नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि टरबाइन को जो आप रन कर रहे हैं उससे क्या कपल्ड करते हैं आप, कपल्ड होता है जनरेटर, कपल्ड होता है जिसका पर्पज़ क्या है, टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। और जनरेटर को पावर कहाँ से मिलती है, वो पावर मिलती है टरबाइन से। और वो टरबाइन कितने स्पीड से रन कर रही है, अप्रॉक्सीमेटली 30,000 RPM से। और जनरेटर को लगभग कितने स्पीड से रन करना है, 1,000 RPM या 2,000 RPM या 3,000 RPM कह सकते हैं, बट टरबाइन रन हो रही है 30,000 RPM से, तो ये भी डिज़ायरेबल नहीं है। अगर आप उसको रन करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे गियर्स यूज़ करने पड़ेंगे, अगेन फिर क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो वो भी डिज़ायरेबल नहीं है आपके लिए। हैंस इट इज़ रिक्वायर्ड टू यूज मल्टी स्टेज और कंपाउंड इम्पल्स टर्बाइन टू रिड्यूस द टर्बाइन स्पीड। तब हुआ क्या कि हमें अब टर्बाइन की स्पीड को कम करना है,
तो टरबाइन की स्पीड को कम करने के लिए हम गियर वगैरह नहीं यूज़ करना चाहते। एक हमारे पास बेस्ट मेथड निकल के आया, और वो मेथड ये है कि हम मल्टी स्टेज यूज़ करें। मल्टी स्टेज का मतलब क्या है कि हम जैसे अभी सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन यूज़ कर रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि एक ही शाफ्ट पर हमने कई सारी दो तीन सिंपल इंपल्स टरबाइन सीरीज में कपल्ड कर दी हैं। एक ही शाफ्ट पर हमने दो तीन चार सिंपल इंपल्स टरबाइन को कनेक्ट कर दिया है सीरीज में, तो जिसको हम बोलते हैं मल्टी स्टेजिंग या कंपाउंड इंपल्स टरबाइन। और जिसका पर्पस क्या होगा, पर्पस ये होगा कि टरबाइन की स्पीड को हम कम कर पाएँ। ठीक है, तो कंपाउंडिंग क्या है, बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम टरबाइन की स्पीड को कम करते हैं, और इसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक मेथड। जैसे कि अगर आप गियर वगैरह यूज़ करते हैं तो उस प्रोसेस को आप मैकेनिकल प्रोसेस बोल सकते हैं, मैकेनिकल मेथड बोल सकते हैं, बट कंपाउंडिंग क्या है, थर्मोडायनामिक मेथड है। कंपाउंडिंग इज द मेथड इन विच मोर देन वन सेट ऑफ नोजल्स ब्लेड्स रोटर्स इन सीरीज की टू ए कॉमन शाफ्ट। यानी कि शाफ्ट तो एक ही होगी लेकिन उस पे रोटर्स माउंटेड होंगे और नोजल्स हो सकता है कई सारी हों। वन सेट नोजल तो हमने सिंगल में यूज़ करी थी, इसमें हो सकता है कि दो नोजल हो, दो सेट ऑफ नोजल हो, यानी कि नोजल मूविंग ब्लेड देन नोजल मूविंग ब्लेड, कुछ तरीके से अगर आप सिस्टम चूज़ करते हैं। ब्लेड भी हो सकता है कि फिक्स ब्लेड भी यूज़ करना पड़े, जैसे अभी तक आपने सिंगल के केस में नोजल एंड मूविंग ब्लेड यूज़ किया था, हो सकता है इसमें आपको मूविंग ब्लेड और दो मूविंग ब्लेड्स के बीच में फिक्स ब्लेड भी यूज़ करना पड़ जाए। तो इस पूरे जो कंस्ट्रक्शन की हम बात करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग बोलते हैं। एंड द स्टीम प्रेशर और स्टीम जेट वेलोसिटी इज एब्जॉर्ब इन स्टेजेस एज इट फ्लोस थ्रू द ब्लेड्स। सिंगल स्टेज में क्या हो रहा था कि जो सारा का सारा स्टीम प्रेशर है वो एक ही स्टेज में एब्जॉर्ब हो रहा था, या जो वेलोसिटी है वो एक ही रो ऑफ मूविंग ब्लेड में एब्जॉर्ब हो रही थी। जो भी वेलोसिटी एग्जिट हो रही है, जिस वेलोसिटी से स्टीम एग्जिट हो रहा है नोजल से, वो वेलोसिटी पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो रही है एक ही उसमें रो में, सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन में। बट अगर आप कंपाउंडिंग कर दे रहे हैं, मल्टी स्टेज कर दे रहे हैं, तो स्टीम प्रेशर अब एक स्टेज में ना हो के दो तीन स्टेजेस में उसको यूज़ किया जाएगा, या फिर स्टीम की जो वेलोसिटी है उसको एक स्टेज में ना यूज़ करके दो तीन स्टेज में यूज़ किया जाएगा। तो बेसिकली इसी को हमने बोला है कि हमने प्रेशर की कंपाउंडिंग कर दी है और या वेलोसिटी की कंपाउंडिंग कर दी है, या फिर हम इन दोनों की कंपाउंडिंग कर रहे हैं। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन, ये हो जाएगा मेथड। और थर्मोडायनामिक इसको क्यों बोला, क्योंकि हम स्टीम के प्रेशर की बात कर रहे हैं और वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। दिस ऑल्सो रिड्यूसेस द लीविंग लॉसेस। जब आप सिंगल स्टेज यूज कर रहे थे तो हो क्या रहा था उसमें कि स्टीम टरबाइन के एग्जिट से बहुत हाई वेलोसिटी से बाहर जा रही थी, जिसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी का भी लॉस हो रहा था। तो इस तरीके से जब आप कंपाउंडिंग यूज़ करेंगे तो उस लॉस, तो वो लॉस भी क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूस हो जाएगा। ये है कंपाउंडिंग का एक बेनिफिट। और ये होल जो प्रोसेस आपने डिस्कस किया अभी, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग बोलते हैं। क्लियर, तो कंपाउंडिंग क्या होता हमने जान लिया है। अब हम इस कंपाउंडिंग को अगर इंपल्स टरबाइन में यूज़ करते हैं तो हम बोलते हैं कंपाउंडिंग प्रोसेस इन इंपल्स टरबाइन। तो सबसे पहले हम कंपाउंडिंग करने वाले हैं वेलोसिटी कंपाउंडिंग, राइट। और जिसको हम बोलते हैं कर्टिस टरबाइन, ये इन्वेंटर का नाम है। क्लियर, वेलोसिटी कंपाउंडिंग हम करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो स्कीमेटिक डायग्राम है इसमें ये नोजल की रोज होंगी, यहाँ पर नोजल, देन उसके जस्ट इमीडिएट में क्या लगी होंगी, मूविंग ब्लेड्स लगी होंगी, और मूविंग ब्लेड्स के जस्ट बगल में फिक्स्ड ब्लेडिंग होगी। और ये फिक्स्ड ब्लेडिंग कहाँ माउंटेड होती है, केसिंग में माउंटेड होती है, आपको पता होगा, हमने डिस्कस किया है। देन अगेन मूविंग ब्लेड्स माउंटेड होंगी, और ये मूविंग ब्लेड कहाँ माउंटेड होगी, रोटर में माउंटेड होगी। ये रोटर कहाँ माउंट होगा, शाफ्ट में माउंट होगा। अगेन ये वाली मूविंग ब्लेड्स भी किसी दूसरे रोटर पे माउंट होगी, और रोटर कहाँ, उसी शाफ्ट पे माउंटेड होगा। क्लियर, तो आप ध्यान दीजिएगा कि
इस नोजल के इनलेट पर जो स्टीम आ रही है बॉयलर से आ रही है, वो एक बॉयलर प्रेशर पर आ रही है। नोजल के एंट्री पर वेलोसिटी उसकी कम होगी और प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। तो जैसे ही यहाँ से स्टीम इस नोजल में एक्सपेंड होगी तो क्या होगा, एक्सपेंशन का मतलब है प्रेशर ड्रॉप होना। तो ये प्रेशर अभी यहाँ पर है और प्रेशर ड्रॉप होके यहाँ पहुँच गया है, यानी कि सारा का सारा जो प्रेशर है वो नोजल में ही ड्रॉप हो गया है। क्लियर? तो जब सारा का सारा प्रेशर नोजल में ड्रॉप हुआ है तो आप ये भी पता कर सकते हैं कि सारी की सारी जो वेलोसिटी गेन हुई है उस नोजल में ही हुई है। तो नोजल के एग्जिट या मूविंग ब्लेड के एंट्री पर अब आप देखेंगे प्रेशर कम हो चुका है उस स्टीम का, लेकिन वेलोसिटी क्या है, बहुत हाई है। वेरी हाई वेलोसिटी से जब स्टीम नोजल जब मूविंग ब्लेड पर स्ट्राइक करती है तो उसकी वेलोसिटी आप देख रहे हैं रिड्यूस हो चुकी है। वेलोसिटी रिड्यूस होने का मतलब है ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो मूविंग ब्लेड ने एब्जॉर्ब करी है उस स्टीम की, और काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब करके ही मूविंग ब्लेड रोटेट हो रही हैं। ठीक है? तो वेलोसिटी कंपाउंडिंग का मतलब क्या है कि अगर सिर्फ एक ही मूविंग ब्लेड होती यहाँ पर सिंपल, जैसे सिंपल इंपल्स टर्बाइन में, तो सारी की सारी वेलोसिटी इसी में यूटिलाइज होती, जिसकी वजह से इस मूविंग ब्लेड की स्पीड बहुत बढ़ जाती। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमने कंपाउंडिंग कर दी है, तो जो वेलोसिटी यहाँ पर आपको मिली है नोजल के एग्जिट में, तो आपने उसका कुछ पार्ट आपने इस मूविंग ब्लेड में यूज़ किया है, इस वाले रोटर पे यूज़ किया है। ठीक है? और फिर आपने देखा कि फिक्स ब्लेड में वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि कोई भी वेलोसिटी में ड्रॉप नहीं हो रहा है। इस तरीके से आपने फिक्स्ड ब्लेड को चूज़ किया है और उसको ओरिएंट किया है कि स्टीम की स्पीड में कोई भी ड्रॉप ना हो। आइडियली कोई ड्रॉप नहीं होता है, बट रियलिटी में कुछ ड्रॉप होता है। तो अभी आप मान रहे हैं कि आइडियली कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है। और फिर जैसे ही इस फिक्स्ड ब्लेड के से एग्जिट होकर स्टीम मूविंग ब्लेड्स में जा रही है तो फिर से वेलोसिटी ड्रॉप हो रही है। वेलोसिटी ड्रॉप होने का मतलब कि स्टीम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो यूटिलाइज हो गई इस मूविंग ब्लेड को रोटेट करने में। और फिर इस मूविंग ब्लेड के एग्जिट से स्टीम बाहर निकल गई एट सर्टन एग्जिट वेलोसिटी। क्लियर? तो आपने ये देखा कि इसमें हमने प्रेशर को तो सिर्फ नोजल में ही ड्रॉप करा लिया है और प्रेशर में कोई वेरिएशन नहीं हुआ है, चाहे वो मूविंग ब्लेड की बात करें या फिक्स ब्लेड की बात करें। बट वेलोसिटी का जो आपने गेन किया है नोजल में, उस वेलोसिटी गेन को यूटिलाइज कर रहे हैं आप सीरीज ऑफ मूविंग ब्लेड्स में, चाहे वो मूविंग ब्लेड ये फर्स्ट हो या उसके बाद सेकेंड वाली मूविंग ब्लेड में हो। तो इस तरीके से आप ये पाते हैं कि जो स्टीम की सॉरी टर्बाइन की जो स्पीड है वो कम हो जाती है ड्यू टू दिस कंपाउंडिंग। सो ये हम जल्दी से देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ नोजल्स एंड फ्यू रोज ऑफ मूविंग ब्लेड्स विच आर फिक्स टू द शाफ्ट। एक नोजल होगी, सीरीज ऑफ नोजल होंगी और कुछ रोज होंगी मूविंग ब्लेड्स की, जैसे यहाँ पर आप दो देख रहे हैं। एंड रोज ऑफ फिक्स्ड ब्लेड्स आर अटैच्ड टू द केसिंग। और फिक्स्ड ब्लेड अगर यूज हो रही हैं तो वो केसिंग में अटैच्ड होंगी। टू रोज ऑफ मूविंग ब्लेड्स आर सेपरेटेड बाई रो ऑफ फिक्स ब्लेड्स। दो मूविंग ब्लेड के बीच में फिक्स ब्लेड्स लगी हुई हैं। द स्टीम इज एक्सपेंडेड फ्रॉम बॉयलर प्रेशर टू द कंडेंसर प्रेशर इन द नोजल ओनली। ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी कंपाउंडिंग में जो सारा का सारा प्रेशर है वो कहाँ ड्रॉप होता है, सिर्फ नोजल में ही ड्रॉप हो रहा है। बाकी मूविंग ब्लेड्स फिक्स ब्लेड में प्रेशर ड्रॉप नहीं हो रहा है। ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर द स्टीम वेलोसिटी इंक्रीजेस। देख सकते हैं आप, दिस हाई वेलोसिटी स्टीम फर्स्ट इंटर्स द फर्स्ट रो ऑफ मूविंग ब्लेड्स वेयर सम पोर्शन ऑफ द वेलोसिटी इज एब्जॉर्ब, या काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है। देन इट इंटर्स द सेकेंड रो ऑफ मूविंग ब्लेड्स थ्रू द फिक्स ब्लेड्स वेयर द डायरेक्शन ऑफ स्टीम इज चेंज्ड। तो फिक्स ब्लेड में कोई भी वेलोसिटी में ड्रॉप नहीं देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिक्स ब्लेड का पर्पस क्या है। फिक्स्ड ब्लेड का पर्पस ये है कि इस मूविंग ब्लेड से दूसरे रो ऑफ मूविंग ब्लेड तक स्टीम को डायरेक्ट करना, गाइड करना, इस तरीके से कि कोई भी लॉस ना हो। क्लियर? तो इस तरीके से आपने देख लिया इसमें कि फिक्स्ड रो में कोई भी वेलोसिटी में ड्रॉप नहीं हो रहा। देर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी एज स्टीम पासिस ओवर द फिक्स्ड ब्लेड। इसे हम आगे देखते हैं। स्टीम देन पासेस ऑन टू द सेकेंड रो ऑफ मूविंग ब्लेड्स वेयर वेलोसिटी इज फर्दर रिड्यूस्ड।
तो जब इसमें आई सेकेंड रो ऑफ मूविंग बोर्ड्स ब्लेड में, तो वेलोसिटी क्या हुई है, फर्दर रिड्यूस हो चुकी है। स्टीम दिस लीव्स द टर्बाइन विद लो वेलोसिटी, एग्जिट वेलोसिटी आप देख रहे हैं, ये वेरी लो वेलोसिटी से एग्जिट हो गई है, लॉस भी कम होगा। ऑल प्रेशर ड्रॉप अकर्स इन द नोजल, द प्रेशर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट ओवर ईच रिंग ऑफ अ मूविंग एंड फिक्स्ड ब्लेड। प्रेशर ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं हो रहा है मूविंग और फिक्स ब्लेड में। तो अगर हम इसके एडवांटेजेस देखें, सो दिस अरेंजमेंट हैज़ लेस नंबर ऑफ स्टेजेस एंड हैंस लेस इनिशियल कॉस्ट। ये देखा गया कि वेलोसिटी कंपाउंडिंग जब आप यूज़ करते हैं, यानी कि ये जो कंस्ट्रक्शन है, जो सेटअप आप यूज़ करते हैं, तो आपको लेस नंबर ऑफ स्टेजेस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और लेस नंबर ऑफ स्टेजेस का मतलब क्या है कि जो शाफ्ट की लेंथ होगी वो भी छोटी हो जाएगी, और शाफ्ट की लेंथ छोटी होने का मतलब क्या है कि इट विल रिक्वायर वेरी स्मॉल स्पेस। और ये जो वेलोसिटी कंपाउंडेड इम्पल्स टर्बाइन होगी वो रिलायबल भी है और इजी टू ऑपरेट भी है। फॉल ऑफ प्रेशर इन द नोजल इज कंसिडरेबल, सो द टर्बाइन हाउसिंग नीड नॉट टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब क्या है कि जो भी प्रेशर ड्रॉप हुआ वो सारा नोजल में हो गया, और मूविंग ब्लेड्स या फिक्स ब्लेड्स में प्रेशर का ड्रॉप नहीं हो रहा, और प्रेशर लोअर साइड में भी है, और प्रेशर लोअर साइड में होने की वजह से टरबाइन की हाउसिंग एयर टाइट आप अगर नहीं भी करेंगे तब भी काम चल जाएगा। तो इसका मतलब ये है, और ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से आपको जो केसिंग सेलेक्ट करनी पड़ेगी बहुत स्ट्रेंथ वाली होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रेशर रिड्यूस हो चुका है, तो इस वजह से ज़्यादा स्ट्रेंथ के लिए आपको केसिंग को डिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है, लीकेज ऑफ स्टीम इज ऑल्सो लेस, क्योंकि प्रेशर ड्रॉप हो गया है तो स्टीम से टरबाइन से लीकेज के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाते हैं। इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है, ड्यू टू वेरी हाई स्टीम वेलोसिटी इन नोजल। नोजल में देखें वेलोसिटी सबसे ज़्यादा गेन हुई है, और वेलोसिटी सबसे ज़्यादा गेन होने की वजह से इसमें फ्रिक्शन भी होगा, और फ्रिक्शन होने की वजह से जो नोजल के एग्जिट पर वेलोसिटी हो सकती थी वो नहीं होगी, वो कम होगी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। द इफिशियंसी इज़ लो, इफिशियंसी लो हो जाती है उसकी वजह से। और दूसरा इसमें एक चीज़ और आपको पता चलती है कि स्पीड रेशियो, दैट इज व्हाट यू बाई सी वन, ब्लेड वेलोसिटी ओवर स्टीम वेलोसिटी, स्पीड रेशियो इज़ नॉट ऑप्टिमम। हमने एक डेरिवेशन किया था ऑप्टिमम के लिए कि स्पीड रेशियो जब ऑप्टिमम होगा तो आपको पावर डेवलप्ड मैक्सिमम मिलेगा या डायग्राम इफिशियंसी मैक्सिमम मिलेगी। तो इस केस में देखा गया कि स्पीड रेशियो क्या होता है, वो ऑप्टिमम नहीं होता है, इसलिए भी इफिशियंसी क्या होती है, लोअर होती है। पावर डेवलप्ड इन लेटर रोज इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द फर्स्ट रोज। इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी इस मूविंग ब्लेड में आपको नोजल के जस्ट बाद वाले मूविंग ब्लेड मिल रही है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू हेयर। तो इस तरीके से देखा गया कि जो स्टार्टिंग के रोज हैं उसमें ज़्यादा आपको पावर मिलती है, इसमें पावर आपको ज़्यादा नहीं मिलती थी, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। बट द स्पेस रिक्वायरमेंट मटेरियल एंड कॉस्ट ऑफ फैब्रिकेशन इज सेम। यहाँ पर आपको ज़्यादा पावर मिल रही है, यहाँ पावर कम मिल रही है, बट यहाँ जो लास्ट वाली स्टेजेस होंगी उसमें स्पेस की रिक्वायरमेंट भी उतनी है जितनी पहले वाले के केस में है, मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी उतनी है जितनी पहले वाले केस में है, और कॉस्ट ऑफ फैब्रिकेशन भी इक्वल है जो इस वाली मूविंग ब्लेड में कॉस्ट यूटिलाइज होगी। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं। और ये भी देखा गया कि हाई कंजम्पशन ऑफ स्टीम इन दिस वेलोसिटी कंपाउंडेड इम्पल्स टर्बाइन। और वेलोसिटी कंपाउंडेड इम्पल्स टर्बाइन का एग्जांपल क्या है, कर्टिस टर्बाइन है। अब हम बात करते हैं प्रेशर कंपाउंडिंग की, यानी कि इस तरह की टर्बाइन को हम क्या बोलेंगे, प्रेशर कंपाउंडेड इम्पल्स टर्बाइन। और उसका नाम क्या है, एक और नाम है रेसिव टर्बाइन, और ये इन्वेंटर का नाम है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि इसको एक्सप्लेन करें, इसका मतलब वो प्रेशर कंपाउंडेड इम्पल्स टर्बाइन की बात कर रहा है। तो हम प्रेशर कंपाउंडेड में प्रेशर को ध्यान में रखते हुए हम समझेंगे इस चीज़ को। अब यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन में चेंज आ रहा है, आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन में चेंज क्या आया है कि सबसे पहले सीरीज ऑफ नोजल्स लगी हुई हैं, देन मूविंग ब्लेड्स हैं, देन अगेन नोजल्स हैं, फिर मूविंग ब्लेड है।
यानी कि यहाँ पर नोजल एंड मूविंग ब्लेड को यूज़ करके इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। अब नोज़ल का पर्पस क्या होता है? नोज़ल का पर्पस होता है कि उसमें प्रेशर को ड्रॉप कराएंगे हम और वेलोसिटी को गेन कराएंगे। तो ड्यूरिंग दिस स्टीम मोशन फ्रॉम इनलेट फ्रॉम हेयर टू हेयर क्या होगा? प्रेशर ड्रॉप होगा और वेलोसिटी बढ़ेगी नोज़ल में, और मूविंग ब्लेड में वेलोसिटी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि नोज़ल के इनलेट यहाँ पर जो स्टीम है उसका प्रेशर बहुत हाई है, वेलोसिटी वेरी वेरी लो, प्रेशर वेरी हाई, वेलोसिटी वेरी लो। तो जैसे ही हाई प्रेशर और लो वेलोसिटी की स्टीम इस नोज़ल में एंटर करेगी, क्या होगा? प्रेशर का ड्रॉप होगा और एसोसिएटेड वेलोसिटी में गेन मिलेगा आपको। वेलोसिटी बढ़ गई, प्रेशर में ड्रॉप हुआ। अब जो ये हाई वेलोसिटी की स्टीम लो प्रेशर, हाई वेलोसिटी एंड लो प्रेशर की स्टीम क्या होगी? इस मूविंग ब्लेड में जाएगी, तो मूविंग ब्लेड में कोई भी प्रेशर का ड्रॉप नहीं हो रहा ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लेड्स। यहाँ पर सिर्फ वेलोसिटी में ड्रॉप आपको दिख रहा है, प्रेशर में कोई ड्रॉप नहीं दिखेगा। तो मूविंग ब्लेड में प्रेशर कांस्टेंट रहा, बट जो वेलोसिटी आपको इनलेट पे मिली है मूविंग ब्लेड के, वो एब्जॉर्ब हो गई है, और वो एब्जॉर्ब यानी कि काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। काइनेटिक एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई है उसकी वजह से ही ब्लेड क्या हुई? रोटेट करना स्टार्ट कर गई। अब मूविंग ब्लेड के एग्जिट पर तो प्रेशर वही रहा, कांस्टेंट रहा जो इनलेट पर था, लेकिन मूविंग ब्लेड के एग्जिट पे वेलोसिटी रिड्यूस हो चुकी है। अब इस रिड्यूस वेलोसिटी को आप फर्दर फिर कहाँ पे ले जा रहे हैं? नोजल में ले जाएंगे। अब नोजल में ले जाते ही तो जिस प्रेशर पर नोजल में स्टीम इंटर करी है, प्रेशर ड्रॉप होगा फर्दर। प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से वेलोसिटी में फिर से आपको गेन मिल गया, और ये जो गेन मिला है अब आप फिर से इसको कहाँ भेज देंगे? मूविंग ब्लेड्स में भेज देंगे। मूविंग ब्लेड में जब भेजेंगे तो फिर से वेलोसिटी एब्जॉर्ब होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और प्रेशर फिर से कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ से जस्ट एग्जिट होके स्टीम बाहर कहाँ निकल जाएगी? कंडेंसर की तरफ चली जाएगी। तो इसमें हमने क्या किया है? प्रेशर को कंपाउंड, यानी प्रेशर को हमने स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। सो द टोटल प्रेशर ड्रॉप, मतलब टोटल प्रेशर ड्रॉप का मतलब है बॉयलर प्रेशर से कंडेंसर प्रेशर की बात हो रही है। द टोटल प्रेशर ड्रॉप इज डिवाइडेड ओवर द स्टेजेस सो दैट ईच स्टेज डील्स विद ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर ड्रॉप। यानी कह सकते हैं कि सिर्फ जो प्रेशर ड्रॉप यहाँ से यहाँ टोटल होना चाहिए था, उसका कुछ पोर्शन यहाँ पे हुआ है और कुछ पोर्शन यहाँ पे हुआ है, इसको आपने डिवाइड कर दिया है। प्रेशर ड्रॉप इन ईच स्टेज हैज़ बीन एडजस्टेड टू गिव द सेम एंथैल्पी ड्रॉप पर स्टेज। और प्रेशर ड्रॉप को इस तरीके से एडजस्ट किया गया है कि जो इन्थैल्पी ड्रॉप हो वो लगभग लगभग इन दोनों में सेम हो। ठीक है, और जब इन्थैल्पी ड्रॉप दोनों में सेम होगा तो क्या होगा? सो दैट द सेम पावर इज डेवलप्ड इन ईच स्टेज। स्टेज का मतलब नोजल एंड मूविंग ब्लेड मिलाकर है, और पावर कहाँ डेवलप्ड होगी? इसकी वजह से होगी, मूविंग ब्लेड की वजह से। तो इन्थैल्पी ड्रॉप अगर दोनों के केस दोनों स्टेज में कॉन्स्टेंट है, इक्वल है, तो जो पावर डेवलप्ड होगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा, सेम होगा, क्योंकि वेलोसिटी भी सेम होगी जो गेन होगी उसमें। देयर फोर द ब्लेड वेलोसिटी एट ईच स्टेज इज मच रिड्यूस्ड। ब्लेड वेलोसिटी इस तरीके से क्या हो पाती है? रिड्यूस कर पाते हैं आप। जैसे पहले सिंपल सिंपल इंपल्स टर्बाइन के केस में आपको ब्लेड वेलोसिटी बहुत हाई मिल रही थी, बट इसमें आप रिड्यूस कर पाए ड्यू टू द कंपाउंडिंग। हैंस द स्टेज मीन डायमीटर्स एंड टर्बाइन स्पीड में बी रिड्यूस्ड। तो टरबाइन की स्पीड भी 30,000 जो पहले थी सिंपल के केस में, वो इसमें रिड्यूस हो जाती है, और जैसे उसमें डायमीटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पर डायमीटर की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है ड्यू टू द कंपाउंडिंग। और इसमें ये भी है कि इट इज़ द मोस्ट इफ़िशियंट टाइप ऑफ टरबाइन बिकॉज द रेशियो ऑफ ब्लेड वेलोसिटी टू द स्टीम वेलोसिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, दैट इज स्टीम स्पीड रेशियो। यानी कि जो स्पीड रेशियो है वो कांस्टेंट मेंटेन कर पाते हैं आप फॉर ईच स्टेज। सो ड्यू टू दिस रीज़न जो टरबाइन है, प्रेशर कंपाउंडेड टरबाइन, वो कैसी हो जाती है? मोस्ट इफ़िशियंट हो जाती है
बट इट हैज़ सम डिसएडवांटेज। वो क्या है कि इसमें आपको लार्ज नंबर ऑफ स्टेजेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो ज़्यादा स्टेजेस होने का मतलब है जो शाफ्ट की लेंथ होगी वो ज़्यादा बड़ी होगी, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ये एक्सपेंसिव हो जाती है। बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंसिवनेस प्रेशर कंपाउंडेड टर्बाइन हैज़ नाउ बिकम एब्सलीट। इसको कम यूज़ किया जा रहा है बिकॉज ऑफ इट्स कॉस्ट, बट ये इफ़िशियंट है। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे रेसी टर्बाइन एंड जोनी टर्बाइंस, क्लियर। तो इस तरीके से प्रेशर कंपाउंडेड टर्बाइन हमने देख लिया। हम कुछ उसके एडवांटेज देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ स्टीम इज़ लोअर देन दैट ऑफ द वेलोसिटी कंपाउंडेड इम्पल्स टर्बाइन। वेलोसिटी ऑफ स्टीम क्या होती है, लोअर हो जाती है, ये एक बेनिफिशियल होता है आपके लिए। मोस्ट इफिशियंट टर्बाइन है बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट स्पीड रेशियो। डिसएडवांटेज क्या है, सिंस इट ऑपरेट्स एट पार्शियल प्रेशर ड्रॉप इन ईच स्टेज, हैंस होल टर्बाइन शुड बी एयर टाइट। जैसे वेलोसिटी कंपाउंडेड इम्पल्स टर्बाइन में प्रेशर क्या हो रहा था, कांस्टेंट हो जा रहा था, लोअर प्रेशर था, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रेशर हायर है, देख सकते हैं आप। ईच स्टेज में प्रेशर उससे ज़्यादा है वेलोसिटी कंपाउंडेड से। तो इसका मतलब क्या है कि जब यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा अंदर, तो केसिंग आपको बहुत एयर टाइट रखनी पड़ेगी, स्ट्रांग भी डिज़ाइन करनी पड़ेगी स्ट्रेंथ वाइज। और लार्ज नंबर ऑफ स्टेजेस भी रिक्वायर्ड हैं, जिससे स्पेस की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और कॉस्ट भी बढ़ जाता है, और ये बल्कियर भी हो जाता है देन वेलोसिटी कंपाउंडिंग, और ये एक्सपेंसिव भी है। अब हम बात करते हैं प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडेड इम्पल्स टर्बाइन की। प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडेड इम्पल्स टर्बाइन का मतलब है कि जो प्रेशर की कुछ एडवांटेजेस थी हमने देखी थी, प्रेशर कंपाउंडेड इम्पल्स टर्बाइन की एंड वेलोसिटी कंपाउंडेड इम्पल्स टर्बाइन की जो एडवांटेजेस थी, उनको हम क्या करने वाले हैं, इसमें कंबाइन करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं दो स्टेजेस हैं, वन स्टेज एंड सेकेंड स्टेज। नोजल यूज़ किया है, नोजल देन मूविंग ब्लेड्स, फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड, नोजल, मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड। यहाँ से स्टीम इन होती है हाई प्रेशर एंड लो वेलोसिटी की स्टीम नोजल में, तो प्रेशर ड्रॉप होगा और वेलोसिटी में क्या होगा, गेन होगा। अब ये जो गेन हुआ है वेलोसिटी में, इसको यूटिलाइज करोगे आप इस मूविंग ब्लेड को रोटेट कराने में, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगी, ये वेलोसिटी एब्जॉर्ब होगी, यानी कि वेलोसिटी रिड्यूस होगी। तो आपने क्या किया, जैसे ही ये मूविंग ब्लेड में गई, इसकी वेलोसिटी ड्रॉप होती है, प्रेशर कांस्टेंट है देखो। और ये प्रेशर कांस्टेंट क्यों है, बिकॉज ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द इम्पल्स ब्लेडिंग। ये वेलोसिटी रिड्यूस हुई मूविंग ब्लेड में, यानी कि वेलोसिटी एब्जॉर्ब हुई, काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, ब्लेड रोटेट हुई। फिक्स ब्लेड में आते ही वेलोसिटी क्या हुई, ये कांस्टेंट हो गई है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ डायरेक्शन को ओरिएंट किया है कि इस वाली मूविंग ब्लेड से स्टीम कहाँ चली जाए, इस वाली ब्लेड में चली जाए, मूविंग ब्लेड में। तो जैसे ही यहाँ पर स्टीम इन होती है, उसकी वेलोसिटी पहले वाले मूविंग ब्लेड के इनलेट से कम है, और फिर फर्दर वो एब्जॉर्ब हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है वेलोसिटी, और वो काइनेटिक एनर्जी ये मूविंग ब्लेड एब्जॉर्ब करके रोटेट हो जाती हैं, ठीक है। तो जैसे ही इस मूविंग ब्लेड के एग्जिट पर स्टीम आती है, उसकी वेलोसिटी बहुत कम हो चुकी है, ठीक है। अब इस कम वेलोसिटी की स्टीम को आप फिर से कहाँ भेज देते हैं, नोजल में भेज देते हैं। तो जैसे ही आपने नोजल में भेजा, तो फिर से क्या हुआ, यहाँ पर प्रेशर अधिक था अभी भी, और वेलोसिटी क्या थी, कम थी। वेलोसिटी कम थी स्टीम की नोजल के इनलेट पे, और प्रेशर अधिक था। तो ये जो प्रेशर है, प्रेशर ड्रॉप हुआ फर्दर, और ये जो फर्दर प्रेशर ड्रॉप हुआ है, ये एसोसिएटेड किससे है, फिर गेन इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में फिर से आपको गेन मिल गया, वेलोसिटी फिर से बढ़ गई, देखो यहाँ से फिर वेलोसिटी बढ़ गई। अभी बढ़ी हुई वेलोसिटी को फिर से आप कहाँ भेजते हैं, मूविंग ब्लेड में। मूविंग ब्लेड में ये बढ़ी हुई वेलोसिटी क्या हो रही है, फिर से एब्जॉर्ब हो रही है, यानी काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब करके मूविंग ब्लेड फिर से रोटेट होने लगी। देन अगेन फिर फिक्स ब्लेड है, फिक्स ब्लेड में क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, बट सिर्फ ये गाइड करेगी, ओरिएंट करेगी कि मूविंग ब्लेड की तरफ स्टीम बिना शॉक के चली जाए। तो जैसे ही मूविंग ब्लेड में जाती है, फिर से वेलोसिटी क्या होगी, ड्रॉप होगी, लेकिन प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, वो मिनिमम प्रेशर आ चुका है। अब यहाँ पर इस एग्जिट वेलोसिटी और एग्जिट प्रेशर से स्टीम कहाँ चली जाएगी, कंडेंसर प्रेशर में चली जाएगी। तो यहाँ पर प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडेड में आप देख सकते हैं कि प्रेशर को आप रिड्यूस तो करा रहे हैं, लेकिन दो स्टेजेस में करा रहे हैं। और वेलोसिटी भी आप देखें,
इंक्रीज करा रहे हैं दो स्टेजेस में। तो वेलोसिटी आपने पहले स्टेज में नोजल लगा के इंक्रीज़ किया है, देन अगेन फिर से वेलोसिटी आपने नोजल यूज़ करके इंक्रीज़ किया है। तो इसमें आपने प्रेशर और वेलोसिटी दोनों को कंपाउंड किया है, ठीक है। प्रेशर को भी आप वेरी करा रहे हैं और वेलोसिटी को भी आप वेरी करा रहे हैं, ये समझ सकते हैं प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडेड में। सो इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ प्रेशर कंपाउंडिंग एंड वेलोसिटी कंपाउंडिंग। दैट मीन्स फॉर ईच प्रेशर स्टेज देर इज ए वेलोसिटी स्टेजिंग। प्रेशर स्टेज का मतलब है प्रेशर ड्रॉप, फिर वेलोसिटी स्टेजिंग आप देख रहे हैं। इट इज़ एन एफर्ट टू कंबाइन द एडवांटेजेस ऑफ बोथ टाइप्स कंपाउंडिंग इंडिविजुअली। द टोटल प्रेशर ड्रॉप ऑफ द स्टीम इज डिवाइडेड इंटू स्टेजेस। यानी टोटल प्रेशर ड्रॉप का मतलब है बॉयलर प्रेशर से कंडेंसर प्रेशर तक जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है उसको आपने स्टेजेस में डिवाइड किया। यहाँ पे कितने स्टेज हैं? दो स्टेजेस हैं। एंड द वेलोसिटी ऑब्टेंड इन ईच स्टेज इज ऑल्सो कंपाउंडेड। तो जैसे ही प्रेशर की आप स्टेजिंग करेंगे वैसे वेलोसिटी गेन होगी, फिर उसकी भी आप स्टेजिंग कर दिए, ठीक है। तो ये होगी प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग। इट रिजल्ट्स इन बिगर प्रेशर ड्रॉप इन ईच स्टेज, ठीक है। इससे बिगर प्रेशर ड्रॉप आप पा रहे हैं ईच स्टेज में, हैंस लेस नंबर ऑफ स्टेजेस रिक्वायर्ड। तो इसमें क्या हो रहा है, लेस नंबर ऑफ स्टेजेस रिक्वायर्ड होंगे। इट इज़ मोर कॉम्पैक्ट टर्बाइन देन ए प्रेशर कंपाउंडेड इम्पल्स टर्बाइन, बट द इफिशियंसी इज लोअर देन द प्रेशर कंपाउंडेड टर्बाइन। प्रेशर कंपाउंडेड टर्बाइन से इसकी इफिशियंसी कम होती है। बिकॉज ऑफ इट्स लो इफिशियंसी इट इज़ रेयरली यूज नाउ डेज, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या है, मोर एंड कर्टिस टर्बाइन। कर्टिस टर्बाइन में प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडेड आप यूज़ कर लेते हैं, वेलोसिटी कंपाउंडेड भी यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर में कंपाउंडिंग के बारे में जाना। इस पर क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है कि आपसे पूछे कंपाउंडिंग क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपको तीनों टाइप्स लिखने पड़ेंगे। या क्वेश्चन ये हो सकता है कि प्रेशर कंपाउंडेड इम्पल्स टर्बाइन क्या होती हैं, या क्वेश्चन आ सकता है कि वेलोसिटी कंपाउंडेड इम्पल्स टर्बाइन क्या होती हैं, या प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडेड इम्पल्स टर्बाइन क्या होती हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। या क्वेश्चन आ सकता है कि कर्टिस टर्बाइन को एक्सप्लेन करें या रेसिव टर्बाइन को आप एक्सप्लेन करें। तो फिर से आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। थैंक यू।